आज भारत के हर कोने में आपको मंदिर देखने को मिलेंगे और लगभग हर मंदिरों में आपको भक्तों की भारी भीड़ नजर आएगी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश के हर मंदिरों में भक्तों द्वारा किए गए दान से मंदिरों में अरबों की संपत्ति मौजूद है। जी हाँ, आपने सही सुना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे, जिसमें हम आपको बताते हैं दुनिया की ऐसी अजीबोगरीब बातें जो आपको हैरान कर देती है, और ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। आज के इस खास वीडियो में हम आपके लिए भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों के नाम लेकर आए हैं, जो सचमुच आपको हैरान परेशान करके रख देंगे। अगर आपको मंदिरों से लगाव है या फिर मंदिरों से जुड़े कई रोचक बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के नीचे जो बेल आइकॉन है उसे जल्दी से प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के जरिए दुनिया से जुड़ी अजीबोगरीब तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि भारत के कुछ मंदिर इतने चमत्कारी है कि वहां दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर आता है मीनाक्षी अम्मन मंदिर। तमिलनाडु में मदुरै शहर में स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर विश्व के 7 अजूबों के लिए नामित किया गया है। यह मंदिर भगवान शिव व मीनाक्षी देवी पार्वती के रूप के लिए समर्पित है। इस मंदिर में त्योहार के दौरान 1 मिलियन से ज्यादा लोग आते हैं। यह त्योहार अप्रैल और मई के बीच मनाया जाता है, और हर साल इस मंदिर में 6 करोड़ रुपए तक का चढ़ावा दान के तौर पर आता है। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर की। 9वें नंबर पर आता है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर वार्षिक दान 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है। यहाँ पर जो गुंबद बने हैं वो 2 सोने के प्लेट से बने हुए हैं। यह मंदिर भी अमीर मंदिरों में से एक है। अगर 8वें नंबर की बात करें तो 8वें नंबर पर आता है गुरुवयूर मंदिर। गुरुवयूर श्री कृष्ण मंदिर गुरुवयूर केरला में स्थित है। यह मंदिर विष्णु भगवान का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। गुरुवयूर मंदिर वैष्णो की आस्था का केंद्र है। अपने खजाने के कारण यह मंदिर भी भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपको हमारे वीडियो से जुड़े अपनी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पर, तो 7वें नंबर पर आता है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह पर स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे अब तक 17 बार नष्ट किया गया है, और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। सोमनाथ में हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है, इसलिए ये भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। वहीं 6वें नंबर पर वैष्णो देवी मंदिर आता है। भारत में हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल वैष्णो देवी मंदिर है, जो त्रिकुटा हिल्स में कटरा नामक जगह पर 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के पिंड एक गुफा में स्थापित है। गुफा की लंबाई 30 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर है। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार देवी वैष्णो इस गुफा में छिपी एक और राक्षस का वध कर दिया था। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में मंदिर का राजस्व काफी बढ़ गया है, क्योंकि तीर्थयात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है। मंदिर में करीब 500 करोड़ की वार्षिक आय है। अगर 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पर आता है सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। गणेश जी की जिन प्रतिमाओं की सूंड दाई ओर मुड़ी होती है, वे सिद्ध पीठ से जुड़ी होती है, और उनके परिवार सिद्धि विनायक मंदिर कहलाते हैं। सिद्धि विनायक की महिमा अपरंपार है। वो भक्तों की मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसे गणपति बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और उतनी ही जल्दी कुपित भी होते हैं। अगर बात करें इसकी संपत्ति की, तो इस मंदिर की संपत्ति 100 करोड़ है। इसी के साथ यह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। आप ये चैनल पर देख रहे हैं मंदिरों से जुड़ी कुछ रोचक बातें, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस वीडियो को देखने में इतने खो गए होंगे कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारी हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलते रहेगी। 4वें नंबर पर श्री जगन्नाथ मंदिर आता है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित
समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर की नेटवर्थ लगभग 250 करोड़ रुपए है। वही तीसरे नंबर पर साई बाबा मंदिर आता है। साई बाबा एक भारतीय गुरु, योगी और फकीर थे। उन्हें उनके भक्तों द्वारा संत कहा जाता है। उनके असली नाम, जन्म पता और माता पिता के संदर्भ में अभी तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। साई शब्द उन्हें भारत के पश्चिमी भारत में स्थित प्रांत महाराष्ट्र के शिरडी नामक कस्बे में पहुंचने के बाद ही मिला था। शिरडी साई बाबा मंदिर भी यहीं बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इनका सिंहासन 94 किलोग्राम सोने का बना है और यहाँ पर लोगों द्वारा 100 मिलियन से ज्यादा दान किया गया था। यह मंदिर भारत के अमीर मंदिरों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर आता है तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यह मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। मंदिर 7 पहाड़ों से मिलकर बने तिरुमाला के पहाड़ों पर स्थित है। कहते हैं कि तिरुमाला की पहाड़ियां विश्व की दूसरी सबसे प्राचीन पहाड़ियां हैं। इस तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर निवास करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का अवतार भी माना जाता है। इस मंदिर में लगभग 50,000 श्रद्धालु रोज दर्शन करने आते हैं। मंदिर की कुल संपत्ति लगभग 50,000 करोड़ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर आता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है। यह तिरुअनंतपुर शहर के बीच स्थित है। इस मंदिर की देखभाल त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार द्वारा की जाती है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है और द्रविड़ शैली में बनाया गया है। मंदिर की कुल आय 1,00,000 करोड़ है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जिसके पास इतनी संपत्ति होगी। यह थी मंदिरों से जुड़ी कुछ खास बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ अपनी आइडियाज भी शेयर करें और साथ ही कॉमेंट में ये भी लिखें कि आपको अगली वीडियो कौन सी देखनी है, ताकि हम जल्द से जल्द उससे जुड़ी जानकारी आप तक पहुँचा पाएंगे। और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों के साथ। देखते रहिए। नमस्कार।